तलवारों की धारों पर इतिहास रचाया जाता है, जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। और ऐसे ही युवा अपना एक बात शिकागो में रहते हैं, इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वहां पर जाके जब उन्होंने देखा कि इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सबसे नीचे बैठा है और उसके ऊपर सभी ग्रंथों को लगाया गया, वो देखकर एक अंग्रेज ने युवा से पूछा कि देखिए आपका जो ग्रंथ है वो सबसे नीचे है। और तब उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, उन्होंने ग्रंथ को खींचा और बाहर निकाला, सभी ग्रंथ जल्दी से जल्दी नीचे गिरना शुरू हो गए। और वहां पर वो बोल पड़े, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, सभी संस्कृति, सभी देशों का, सभी सम्मान का मूल आधार है। और यह कहने वाला और कोई नहीं, खुद स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने शिकागो में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। और इसी वजह से हमारी संस्कृति के बारे में कहते हुए एक कवि कह गए हैं, खड़ा गजराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप तो शुभ क्षार जैसा है, कोई उपमा में कह दे पूरे विश्व को शिवाला, तो हमारा ये पावन राष्ट्र पावन आरती के भाल जैसा है, पावन आरती के भाल। और इस विचार मंच के समक्ष आप सभी बैठे हुए इस राष्ट्र की चिर चेतन युवा चेतना, मैं वेदांत शेट्टे आप सभी के समक्ष इस देश की प्रगति के वजह से हमारे देश की संस्कृति के साथ कहीं पर समझौता हो रहा है, इस विषय में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। इस विषय पर जब अपनी रोशनी डालने का विचार करता हूँ तब मुझे सबसे पहले याद आता है हमारे देश की संस्कृति में सबसे पुरातन एक पद्धति रही है, वो है योग। और इसी योग के जरिए जिन्होंने अपने जिंदगी अपने जीवन में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली, ऐसे सन्यासी का जब हमारे देश में धन से मोह लग जाता है और उसी मोह के जरिए आयुर्वेदिक चीजों को बताते हुए वो जब रासायनिक वस्तुओं को पधार आयुर्वेदिक बताते हुए उसका विघटनकरण करते हैं, तब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के सन्यासी को दल का मोह लग गया है और यही से हमारे देश की प्रगति में संस्कृति से समझौता होना शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय इस विषय के जब मैं और आगे जाता हूँ तब मुझे लगता है कि हमारा यह वो राष्ट्र है जहाँ पर एकल परिवार, पति व्रता पत्नी तथा पत्नी व्रता पति, ऐसे पद्धति की, ऐसे संस्कृति की बात आती है। और जब हमारे ही राष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्र के समाज के सभी व्यक्तियों को प्रमाण दे दे कि आप किसी पर स्त्री के साथ तथा किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना सकते हैं, वो भी विवाहित होने के बाद, तब मुझे जाके लगता है कि मेरा राष्ट्र संस्कृति पर तथा प्रगति पर नहीं तो पाश्चिमात्य शरीर के बाहर जा रहा है। ऐसे अध्यक्ष महोदय ऐसे वक्त मुझे लगता है कि मेरे राष्ट्र को माँ सीता ने लंका से जब वापस आते हुए अग्नि परीक्षा दी थी, वो अग्नि परीक्षा फिर से याद करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय आज सांसद में खड़े होकर मैं पुरानी प्राचीन सांसद को याद करता हूँ जहाँ पर एक युवा वक्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोल गए थे कि मुझे आपके चर्चिल भी दिखता है और चैंबरलेन भी दिखता है, तब उस युवा अटल को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भरी संसद में गए, आपका भाषण आज तक तो बहुत ही लाजवाब था। तब मुझे पंडित नेहरू जी ने और उस सांसद में एक नम्रता, एक आदर और एक प्रोत्साहन भाव देखता है। और जब इस आधुनिक और प्रगत भारत के प्रगत सांसद में जाता हूँ तो मुझे पप्पू के आंख मारने और पप्पू के गले मिलने के अलावा इस सांसद में कुछ नहीं दिखता है, तब जाकर मुझे कहना पड़ता है कि इस राष्ट्र की संस्कृति के साथ समझौता होना शुरू हो चुका है। हमारे देश में हमारी बहुत ज्यादा प्रथा है, बहुत ज्यादा संस्कृतियां बहुत बड़ी, और ऐसी संस्कृति के बीच में जब हमारे देश की युवा पद्धति हमारे देश में एक बहुत बड़ी और प्राचीन ग्रंथालय हुआ करती थी जो जब जरी तो 6 महीने तक वहां पर आती जो बुझा ना सके, और ऐसे ग्रंथ में जहाँ पर फैशन नाम की चीज का कहीं उल्लेख ही नहीं था, फैशन नाम के शब्द को जहाँ पर पर्यायी शब्द ना हो, जिस संस्कृति में फैशन नाम के शब्द को कोई पर्यायी शब्द ना हो, उस संस्कृति में अगर मेरे देश के लोग
अपने मूलभूत गर्दाओं को छोड़कर, मूलभूत चीजों को छोड़कर आगे कुछ अजब गजब तरीके के वस्त्र परिधान करने लग गए, कुछ अजब गजब तरीके के उत्पादनों का व्यापार करने लग गए, तब जाकर मेरी संस्कृति के साथ समझौता होना शुरू हो जाता है। और तब जाकर मुझे अटल जी के शब्द याद आते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र भूमि। अरे यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यहाँ का हिमालय इसकी मस्तक है तथा कन्याकुमारी जिसके पाद प्रक्षालन करती है, यहाँ का अंकर कंकर जिसके लिए शंकर है, और यहाँ की गंगा नदी जिसके लिए गंगा है। हम जीने के इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद पवित्र गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा कर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इन दोनों ओजस्वी वक्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए अब मैं श्री गोयनका जी और मनीष अवस्थी जी से निवेदन कर रही हूँ कि वे सुरमई मुखर्जी और वेदांत चट्टे को सम्मानित करें, और साथ ही पिछले रेजोल्यूशन के सरप्राइज डिनर से नगमा खान और सचिन छपाने वो भी मंच पर आ जाएंगे। सुरमई मुखर्जी, वेदांत चट्टे, हमारे दोनों वक्ताओं को गोयनका जी से गुरु मंत्र मिल गया है और आगे बढ़ने के लिए और प्रगति करने के लिए, और नगमा खान और सचिन छपाने ये दोनों जो सरप्राइज डिनर रहे पिछले सत्र के रेजोल्यूशन के, उनको भी ये मंच आशीर्वाद दें। उसके बाद इस सत्र का रेजोल्यूशन मैं आपके सामने रखूंगी वोटिंग के लिए, तो आप ऑनलाइन वोट कर सकते हैं।